ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ प्रोजेक्शंस की, और कार्ड ऑफ प्रोजेक्शंस को हम कंपेयर कर रहे हैं राइडर वेट के कार्ड द सेवन ऑफ कप्स के साथ। सेवन ऑफ कप्स को थोड़ा समझेंगे। सेवन ऑफ कप्स एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे ये व्यक्ति जो है एक दुविधा में फंसा हुआ है, एक जैसे कि उसके पास बहुत सारी आगे चॉइसेस हैं लेकिन वो चूज़ नहीं कर पा रहा, जो कि ये एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है कि ये व्यक्ति जो है एक इल्यूजन में है, एक तरह की प्रोजेक्शंस में है, एक तरह की ड्रीम में है, जहाँ पे ये सब चॉइसेस जो हैं उसके सामने जो हैं अपीयर हो रही हैं, और जैसे कि उससे पूछा जा रहा है कि आपको इसमें से जो भी चाहिए आप इसमें से चूज़ कर लो। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे बात ध्यान रखने की है, जहाँ इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक काली परछाई है, यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे एक जैसे एक ड्रीम चल रहा है। तो ये सब कुछ एक कल्पना में चल रहा है, ये सब कुछ एक प्रोजेक्शंस में चल रहा है कि आपके सामने ये जो सब चॉइसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हुए भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ये इन शॉर्ट है मीनिंग सेवन ऑफ कप्स का। अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ प्रोजेक्शंस की। कार्ड ऑफ प्रोजेक्शंस में हम देख सकते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री जो है आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, और उसमें जैसे कि एक लेयर्स है आगे। वो लेयर्स ये सिग्निफाई करता है कि जब हम किसी को देखते हैं, चाहे पुरुष को देखते हैं चाहे स्त्री को देखते हैं, हम अपनी प्रोजेक्शंस उसमें डाल देते हैं। प्रोजेक्शंस यानी परिकल्पना, यानी कि कुछ का कुछ देख लेना। जब दो प्रेमी जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो वो अपने आप को इन द बेस्ट पॉसिबल वे वो शो करते हैं, वो शो करने की कोशिश करते हैं कि जो वो है नहीं। इसलिए प्रेम विवाह जो है अक्सर नहीं चलता, क्योंकि आप जो है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दूसरे को इम्प्रेस करने में लग गए, और इम्प्रेस करने के कारण जो है दूसरे व्यक्ति को धोखा हो गया, और उस धोखे में जो है आप दोनों ने वो विवाह कर डाला। विवाह के बाद ही जो है चीज़ें जो हैं आपस में क्लियर होनी शुरू होती हैं, आदमी का असली चेहरा जो है सामने आना शुरू होता है। शुरू में ये जाने अनजाने जो है एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम दूसरे के साथ होने के लिए वो चीज़ें जो हैं शो करने लग जाते हैं कि जो है नहीं, और हम दूसरे के अंदर वो चीज़ें देखने लग जाते हैं कि जो है नहीं, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शंस। ओशो ज़ेन टैरो का ये कार्ड जो है इसी प्रोजेक्शंस की बात कर रहा है कि हम दूसरे के अंदर जो है हमारी जो मन की जो आदत है वो इतनी गहरी है कि हम दूसरे के अंदर जो है कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं। और बात यहाँ पे सिर्फ पुरुष या स्त्री की नहीं है, यहाँ पे बात जो है स्थितियों की है, यहाँ पे बात है लाइफ को देखने की, कि हम अपनी लाइफ को जो है हर वक्त जो है उस प्रोजेक्शंस के साथ देखते हैं। और ओशो ज़ेन टैरो का गहरा मैसेज ये है कि जिस दिन आप इन प्रोजेक्शंस के बिना जो है लाइफ को देख पाएंगे, उस दिन जो है लाइफ का जो है असली चेहरा आपके सामने जो है प्रकट होगा। उससे पहले अभी तक जो है जितनी भी लाइफ जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो है बहुत सारी जो है सोच विचार कल्पनाएं ये सब कुछ चल रहा है, इसके रहते जो है कहाँ से हमें जो है रियल पिक्चर मिल जाएगी, कहाँ से हम जो है रियलिटी को देख लेंगे। इसलिए हम कॉन्स्टेंटली जो है हम देखते हैं कि अक्सर हम जो है ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, हम अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, हम अपना जो सुख और दुख जो है वो भी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि इसके कारण जो है मेरे जीवन में सुख या दुख है, इसके कारण मेरे जीवन में ये जो स्थिति बनी है इस व्यक्ति के कारण बनी है। लेकिन जिस दिन आप जो है इन प्रोजेक्शन से बाहर आना शुरू होते हैं, उस दिन आप जो है आपकी आंखें खुलती हैं और आप देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेवार हैं। इस स्थिति में आप जैसे हैं जहाँ हैं, अगर आप उसको स्वीकार कर लें, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो आप जो हैं ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो प्रोजेक्शंस हैं, जो आपके मन की जो परिकल्पनाएं हैं, जो भी उसने जो हैं जो अपने जो दूसरे के ऊपर जो है उसने जो चीज़ें प्रोजेक्ट कर ली हैं, उससे आप क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, उससे आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। एंड दैट इज़ व्हाट द रियल लाइफ इज़, कि आप उन प्रोजेक्शन से बाहर आएँ। गुरु ओशो जो है इस चीज़ को बहुत प्यार से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही एक ब्यूटिफुल एग्जाम्पल के साथ, कि जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप जो है सिनेमा को जब देख रहे होते हैं, जो पर्दे की तरफ देख रहे होते हैं, इतना कुछ चल रहा होता है, आप उसके साथ जो है एक हो जाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो एक जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं जाती। अगर आप उस प्रोजेक्टर को देखना शुरू कर दें तो आप वो जो फिल्म देख रहे हैं उसको इन्जॉय नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आपको ये एक चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ धूप छाँव का खेल है, वो सिर्फ एक प्रकाश की किरणों का जो है जाल है, वहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है, वहाँ पे सिंपली जो है आपके मन के साथ खेला जा रहा है। तो असली व्यक्ति वही है जो इस जीवन के नाटक के पीछे जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसको देखने की क्षमता जो है उसमें आनी शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे जो ये जो ड्रामा चल रहा है लाइफ का उससे जो है वो जागना शुरू हो जाता है और वो जो प्रोजेक्टर है उसकी तरफ उसकी जो है नज़र जाती है कि कहाँ से ये सब कुछ चल रहा है, कहाँ से ये सारा कुछ जो है, ये जो कौन है देखने वाला, कौन है ये जो नाटक करने वाला है। हमें उस चीज़ का एहसास होना शुरू होता है। ओशो कहते हैं हम उस प्रोजेक्शन से जो है जागना शुरू करते हैं। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं तब वो व्यक्ति जो है सुंदर लगता है, तब वो व्यक्ति जो है दुनिया का सबसे अच्छा आदमी लगता है। लेकिन जब आपके अंदर एक हेट क्रिएट होती है तो वही व्यक्ति जो है दुनिया का सबसे अगली आदमी हो जाता है, दुनिया का सबसे खराब आदमी हो जाता है। आदमी वही का वही है लेकिन क्या चेंज हो गया, आपके भीतर का भाव चेंज हो गया, क्योंकि अब तक जो है आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रोजेक्ट करते हुए आए थे, आप दूसरे को अच्छा बुरा जो है आपके भीतर जो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग आप उसको जज कर रहे थे। एक छोटी सी कहानी है, एक आदमी का छोटा सा गार्डन था, वो उसको बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर करता था, अच्छे अच्छे फूल खिले थे उसमें और उसने बहुत सुंदर से उसको सजाया था। तो गार्डन का जो देख रेख थी वो खुद ही करता था। एक दिन सुबह जो है उठ के जो है वो अपने अपने गार्डन में गया और वो घास काटने वाली जो है कैंची जो होती है उसको ढूंढने लगा। उसने सारा ढूंढ मारा, उसको कहीं नहीं मिला। उसी वक्त पड़ोस का लड़का जो है बाहर से निकलता था और इसके चेहरे को देख के इस आदमी को लगा कि हो ना हो इसी ने मेरी कैंची चुराई है। और उस वक्त उसको ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे बदमाश आदमी है ये। खैर उस दिन तो उसने बिना कैंची के काम चला लिया, लेकिन अगले दिन जो है उसको वही सेम कैंची जो है अपने घर से मिली। उस कैंची को लेके वो घर से बाहर आया तो वही सेम लड़का जो था वो वापस आता हुआ था। और जब वो आ रहा था अब उसके चेहरे को देख के उसने लगा अरे वाह कितना सज्जन आदमी है, ऐसी मैंने इसको प्रशंसा करा, इतना सुंदर व्यक्ति, इतना अच्छा आदमी। तो आप देखें इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को समझें कि कितनी जल्दी हमारे अंदर जो है भाव बदल जाते हैं, कितनी जल्दी जो है हमारे अंदर जो ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए याद रखिए जो अब आपके अंदर जो ये जो चीज़ें एकदम से जो आपके अंदर ये जो जजमेंट जो क्रिएट हो जाती है एकदम से किसी के प्रति, रुक जाए, एकदम से जज मत करें, किसी को अच्छा या बुरा एकदम से मत बोले, एकदम से कंक्लूजन पे मत पहुंच जाए, रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, चीज़ों को थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। चीज़ों के सेटल होते ही मन की जो मिट्टी है वो नीचे बैठने पे चीज़ें जो हैं साफ होनी शुरू होती हैं और चीज़ें जैसी हैं वो वैसी दिखनी शुरू होती हैं, आप उस प्रोजेक्शन से बाहर आना शुरू होते हैं। क्योंकि प्रोजेक्शन में देखने से कोई भी चीज़ का जो है असली रूप नहीं दिखेगा, यही ओशो ज़ेन टैरो का प्रोजेक्शन का प्रोजेक्शन कार्ड का मैसेज है। तो लाइफ में जितने ज़्यादा जो है आपके अंदर एक सिंप्लिसिटी आ जाएगी, उतनी सिंप्लिसिटी के साथ जो है आप दूसरे को देख पाएंगे कि वो जैसा है उसको वैसे ही देख पाएंगे। जितने आप जो है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग होंगे उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा दूसरे को देखना, क्योंकि बात अभी सिंपल ये हो गई कि अभी आप खुद ही जो है उलझे हुए हैं, अभी आप खुद का चेहरा ही जो है अगर देखना चाहें ठीक से तो वो खुद का चेहरा ही नहीं दिखेगा, तो दूसरे की तो बात ही छोड़ दें। तो एक साधक वो है, एक ध्यानी वो है जो इन प्रोजेक्शंस को तोड़ना शुरू करता है, जो इन प्रोजेक्शन से बाहर आना शुरू करता है। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, एक आदमी की पत्नी जो है मरने को थी और उस पत्नी ने उस पति को अच्छे से तंग किया था अपनी ज़िंदगी में, उसको अच्छे से कंट्रोल किया था और पूरा उसको दबा के रखा था। लेकिन अब पत्नी के मरने का समय आ गया था और अंदर ही अंदर जो आदमी जो था वो थोड़ा खुश भी हो रहा था कि चलो जान छूटी, अब मैं फाइनली वो जीवन जी पाऊंगा जो मैं हमेशा से जीना चाहता था। ये बात जो है जैसे कि उस स्त्री ने जो है उस पत्नी ने भांप ली, उसने ये बात जो है उसको बोली कि देखो ये मत सोचना कि मेरे मरने के बाद तुम वो करोगे जो तुम हमेशा से करना चाहते थे, मैं तुम्हें बताए देती हूँ मरने के बाद मैं जो है भूत हो जाऊँगी, तो ये भूल जाओ, ये जो उल्टे सीधे जो विचार जो तुम्हारे अंदर चल रहे हैं इनको सबको ड्रॉप कर दो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ,
मैं तुम्हारे साथ चिपकी रहूँगी। तो खैर कुछ समय बाद जो है उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वो बात भी आई गई होगी, वो उसको भूल भी गया और दोबारा से उसके अंदर जो है ये सब विचार आने लगे कि फाइनली वो जो है वो लाइफ जी सकता है जो वो हमेशा से चाहता था। पहली बार उसको जो है फ्रीडम का एहसास हुआ कि उसने कहा कि मैं फाइनली मुक्त हो गया हूँ, अब मैं वो जीवन जीऊँगा जो मैं हमेशा से जीना चाहता हूँ। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि बाहर से दरवाज़ा के खड़काने की आवाज़ आई। उस आदमी ने जाके दरवाज़ा खोला और दरवाज़े खोल के क्या देखता है कि उसकी पत्नी जो है भूत बन गई है। और सबसे पहली बात उस पत्नी ने यही कही, मेरे को पता है तुम क्या सोच रहे हो, रुक जाओ वहीं पे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और उसकी पत्नी ने एक एक विचार उसका जो है, एक एक डिज़ायर जो है उसके बारे में बता दिया कि देखो ये सब कुछ तुम सोच रहे हो और मेरे रहते जो है मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगी। उस आदमी को तो बहुत धक्का लगा, उसने कहा ये तो मर के भी जो है इसे मुझे नहीं छोड़ा, जो मेरी जो बाकी की ज़िंदगी जो बची हुई है वो भी मारी गई। और उस रात से जो है वो पत्नी जो है रोज़ आने लगी और रोज़ उस पति को जाके बोलने लगी कि देखो आज तुम ये सोच रहे थे, आज तुम ये करने का सोच रहे थे, आज तुमने ये किया, मेरी सारी नज़र तुम्हारे ऊपर है। तो धीरे धीरे जो वो जो आदमी था वो पूरी तरह से फेडअप हो गया था, उसने डिसाइड करा कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वो आदमी जो है एक गुरु के पास गया और उस गुरु को जो है उसने अपनी सारी कहानी बताई। तो गुरु ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, उसने अपनी एक पोटली निकाली, उसमें कुछ कंकड़ थे और उसको कहा कि ये तू अपने पास रख और जब पत्नी जब आएगी तेरे पास ना तो तब तो उससे पूछियो कि इसमें कितने कंकड़ हैं। तो उस आदमी ने बोला गुरुजी वो सब कुछ जानती है। गुरु ने कहा तू चिंता मत कर, देख ये मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू भी खोल के मत देखियो, जब वो आएगी उससे पूछ लियो इसमें कितने कंकड़ हैं, अगर उसने सही क्वांटिटी तुमने बता दी तो मुझे आके बता दियो, अगर उसने क्वांटिटी गलत बताई तो भी मुझे आके बता दियो। तो ठीक है, आदमी वो घर चला गया। तो पति जब घर पहुंचा तो कुछ टाइम बाद पत्नी भी आ गई वहाँ पे और बोलने लगी कि मुझे पता है तो उस गुरु के पास गया था और मुझे पता है तू मुझसे जो है छुटकारा पाना चाहता है, मैं एक एक चीज़ जानती हूँ, मैं तो मुझे छोड़ूंगी नहीं है। तो खैर ये सुन के जो है पति तो खैर बहुत घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने डरते डरते बोला कि सब ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दो कि इस पोटली में कितने कंकड़ हैं। जैसे ही उसने ये बात बोली जो पत्नी थी वो हवा में गायब हुई, और वो हवा में गायब ही नहीं हुई, उसने उसका साथ भी छोड़ दिया और वो भाग गई। उस आदमी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हो गया, वो भागा भागा जो है गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि आपने क्या किया, ये क्या जादू था, आपने मेरी पत्नी को भगाया कैसे। तो खैर गुरु हंसा और गुरु ने कहा कि देख इस पत्नी को जो है तू ही प्रोजेक्ट कर रहा था, ये जो तेरे को मैं जो थैली दी थी इसमें जो कंकड़ थे इसी क्वांटिटी तुझे भी नहीं पता थी, अगर इसी क्वांटिटी तुझे पता होती तो पत्नी को भी पता होती, क्योंकि पत्नी जो है तेरी खुद की प्रोजेक्शन है, तेरी प्रोजेक्शन के कारण ही वो तुझे जो है बार बार तंग कर रही थी, तेरे गिल्ट के कारण ही वो बार बार जो है तेरे पास वापस आ रही थी, तो जाने अनजाने तेरी खुद की चॉइस थी कि वो तुझे जो है वो तंग करे। तो इस कहानी के ज़रिए हमें जो है एक चीज़ पता चलती है कि किस तरह से जो है हम अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह से हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इस वीडियो का मैं अब यही अंत करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।